हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। ये एक शहर का मैप है, इसे ध्यान से देखिए। आंसर द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है नीचे इनके आंसर दीजिए। ए पे है कलर द मैप एज फॉलोज। मैप में कलरिंग करनी है आपको, कैसे? ब्लू वाटर, यानी जहाँ पर वाटर है वहाँ आपको ब्लू कलर करना है। अब देखिए, मैंने मैप में देखा कि यहाँ लेक लिखा हुआ है। लेक माने झील होता है, यहाँ पानी भरा होता है, तो यहाँ पानी होगा, तो पानी की जगह को मैंने ब्लू कर दिया। फिर है रेड फायर स्टेशन, जहाँ पे फायर स्टेशन है उसको आपको रेड कलर करना है। मैंने देखा यहाँ कॉर्नर में फायर स्टेशन है, तो इसको मैंने रेड कलर कर दिया। फिर है ऑरेंज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को ऑरेंज कलर करना है। यहाँ कॉर्नर में ये लाइब्रेरी है, इसे मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। फिर है येलो, येलो करना है स्कूल्स को। देखें, मैंने मैप में दो स्कूल हैं, एक तो ये प्राइमरी स्कूल है और एक ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो दोनों को येलो कर दिया। फिर है ग्रीन, ग्रीन कलर करना है आपको पार्क पे। यहाँ पे सिटी पार्क है, तो ये शहर का पार्क है, पार्क को मैंने ग्रीन कलर कर दिया। फिर पिंक करना है कॉलेज को, यहाँ कॉर्नर में ये सिटी कॉलेज है, इसको मैंने पिंक कलर कर दिया। पर्पल करना है हॉस्पिटल को, ये इधर ऊपर की तरफ यहाँ हॉस्पिटल है, इस पर पर्पल कलर कर दिया है। ब्राउन करना है सेमेट्री को, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पे बिल्कुल ये सेमेट्री है, इसे मैंने ब्राउन कलर कर दिया। ये क्वेश्चन 1 था। इसका बी पार्ट देखें। मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। जहाँ पर नेहरू रोड और रोड सी आपस में कट रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक्स करना है। अब देखिए, यहाँ देखा मैंने, ये था नेहरू रोड, ये नेहरू रोड ऐसे जा रहा है, और यहाँ ये रोड सी है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से एक्स ऑलरेडी किया हुआ है, तो ग्रीन कलर से एक्स करना है यहाँ पे। फिर एक और पॉइंट है ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। जहाँ पे गांधी रोड और रोड ए आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर से वाई करना है। यहाँ देखिए ऊपर, ये रहा गांधी रोड, ये सीधा जो ऐसे जा रहा है ये गांधी रोड है, और ये रोड ए है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों रोड ऐसे और ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर से वाई कर दिया है। सी पॉइंट, इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपो। रेड कलर से लाइब्रेरी से बस डिपो जाने वाला जो छोटा रास्ता है उसको आप रेड कलर से कलर कर दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ, ये रहा मेरा लाइब्रेरी और ये रहा बस डिपो। अब लाइब्रेरी से बस डिपो जाने वाले यहाँ पे मेरे को तीन रास्ते दिख रहे हैं। मैं यहाँ से ऐसे रोड ए पकड़ के गांधी रोड से जा सकता हूँ, यहाँ से मैं नेहरू रोड और फिर रोड सी से बस डिपो जा सकता हूँ, या फिर यहाँ से ये जो है शास्त्री रोड है इसको पकड़ के, और फिर ये रोड डी है, यहाँ से जा सकता हूँ। अब ये जो शास्त्री रोड दिख रहा है ये तो बहुत ही लंबा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, अब रोड ए और गांधी रोड, या फिर नेहरू रोड और रोड सी, तो इन दोनों में मुझे ये वाला छोटा लग रहा है, तो मैंने इसे रेड कलर से कलर कर दिया। ठीक है, डी पार्ट, विच इज़ फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। फर्दर ईस्ट, फर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस के मामले में दूर, यानी जो दूर है, और ईस्ट ये एक डायरेक्शन होगी, तो उस मैप में पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझें। ये ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। अब ये कह रहा है कि फर्दर ईस्ट मतलब कौन ज़्यादा ईस्ट में है, ईस्ट से कौन ज़्यादा दूरी पर है। यहाँ ईस्ट है, अब ईस्ट से कौन ज़्यादा दूर है, सिटी पार्क है कि मार्केट है। अब सिटी पार्क तो ये रहा और मार्केट ये रही, तो ईस्ट से ज़्यादा दूरी पर कौन है, मार्केट है, सिटी पार्क तो इसके पास है, तो मार्केट इसका आंसर है। नेक्स्ट में है विच इज़ फर्दर साउथ, ज़्यादा मतलब साउथ से दूर कौन है, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। अब साउथ ये है, यहाँ इसके पास है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इससे दूर ज़्यादा दूरी पर ये है प्राइमरी स्कूल, तो साउथ से ज़्यादा दूरी पर प्राइमरी स्कूल है, तो इसका आंसर हुआ प्राइमरी स्कूल। तो ये क्वेश्चन था। इस तरह से आप जो मैप्स होते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना सीखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।